अगली खबर आ रही है कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर। शहर के 14,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इस वजह से वे पढ़ाई रोकने को मजबूर हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिले और प्रदेश में इनकी संख्या निकाली जाए तो ऐसे लाखों छात्र निकलेंगे। इसे लेकर इंदौर में स्टूडेंट्स युवा कांग्रेस के साथ शनिवार को सड़क पर उतरेंगे और पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सरफराज अंसारी का कहना है कि इसके पहले लगातार 2 सालों से छात्रवृत्तियां रोकी जा रही हैं या फिर किस्तों में दी जा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब युवाओं की शिक्षा पर खर्च की बात आती है तो सरकार धन की कमी का बहाना बनाकर छात्रवृत्ति रोकती है, जबकि हर महीने प्रदेश में राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों रुपयों का आयोजन करने के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं होती। सरकार की नीति से प्रभावित होने वाले स्टूडेंट्स ओबीसी, एससीएसटी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं। प्रदेश में सरकारी भर्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा दी गई है। ओबीसी आरक्षण की आड़ में सरकार प्रवेश प्रक्रियाएं रोक रही है। व्यापम से लेकर पटवारी, शिक्षक, पुलिस की भर्ती परीक्षाएं नहीं हो रही है। सरकार आरक्षण की आड़ लेकर बेरोजगारों से छल बंद करे, भर्ती परीक्षाएं तुरंत शुरू करें। शिक्षित बेरोजगार को रोजगार कार्यालय के पंजीयन के आधार पर प्रतिमाह 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इंदौर शहर युवा कांग्रेस द्वारा शनिवार को स्टूडेंट के साथ सड़क पर उतरने वाले हैं। वे स्टूडेंट्स के साथ हर सिद्धि के पास फूल मंडी पर स्टूडेंट्स के साथ जमा होंगे। यहाँ से वे पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे, जहाँ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह करीब 10 बजे से स्टूडेंट्स यहाँ जमा होना शुरू होंगे और करीब 11 बजे फूल मंडी से निकलकर कलेक्टर ऑफिस के लिए रवाना होंगे।